की चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसराइल इस वक्त गाजा में घुसने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन उसे बहुत बड़ी वार्निंग भी मिल गई है। अब इसराइल को समझ नहीं आ रहा है कि गाजा में अगर कदम रखा तो कहीं ये उसके लिए इस युद्ध की सबसे बड़ी गलती ना साबित हो। इस दौरान हमास ने फिर से इसराइल पर हमला करके साबित कर दिया है कि वो इसराइल को मारने का कोई मौका नहीं चूकेगा। नेतन्याहू उस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गए। गाजा में हमास के अड्डों पर जब जब बम गिरता है, नेतन्याहू चैन की सांस लेते हैं। गाजा को पूरी तरह मिटाने का उनका प्लान तैयार है। इसराइल अब गाजा की एक एक गलियों में अपने दुश्मन को खत्म करना चाहता है। हमास के बहुत ही खतरनाक हमले के बाद इसराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया है और इस वक्त गाजा पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। सवाल है कि क्या इसराइल के पास इतनी ताकत है कि वो गाजा में एक ऐसा ऑपरेशन चलाए जो हमास को पूरी तरह खत्म कर देगा। ऐसे ग्राउंड ऑफेंसिव यानी गाजा में घुसकर ऑपरेशन करने के लिए इसराइल को तीन चीजों की जरूरत है। पहली है फौज यानी पैदल सेना, दूसरी है बख्तरबंद वाली ताकत यानी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां, और तीसरा है तोपखाना जो सेना का रास्ता क्लियर करे। अभी तक इसराइल ने जो एक्शन लिया है उसमें गाजा में हवाई बमबारी है जिसमें कई इमारतें पूरी तरह तबाह की जा चुकी हैं, लेकिन असली मकसद तब पूरा होगा जब गाजा की जमीन पर उसकी फौज का कब्जा होगा। सवाल है कि इसराइल ये किस हद तक कर पाएगा, उसकी ताकत क्या है, उसके जरिए क्या हैं, और क्या ये लंबे वक्त तक मुमकिन है। इसराइल के पास 1,70,000 की आर्मी है और रिजर्व को मिलाकर इसराइल की सेना 6.25 लाख तक हो जाती है। इसराइल के पास 500 से ज्यादा टैंक, इसके अलावा 1,000 टैंक रिजर्व में है। इनमें उनका मेन बैटल टैंक मरकावा है, मरकावा 4, मरकावा 3। ये टैंक दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक माने जाते हैं। इसराइल के पास 800 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि रिपोर्ट्स है कि उसके पास 3,000 से ज्यादा रिजर्व में रखी हुई हैं। इसराइल की आर्टिलरी यानी उसके तोपखाने में 1,000 से ज्यादा हथियार हैं। इनमें तोप भी हैं और रॉकेट सिस्टम भी है। इसराइल की सेना की ताकत पर किसी को कोई शक नहीं। इसराइल अरब देशों के साथ कई युद्ध लड़ चुका है और जीता भी है। इसकी वजह उसकी तकनीक के अलावा अमेरिका से मिलने वाले हथियार भी हैं। लेकिन इस वक्त गाजा का ऑपरेशन इमरजेंसी में हो रहा है और युद्ध के हालात ऐसे हैं कि इसराइल पर लेबनन से भी हमले का खतरा है, इसराइल पर सीरिया से भी हमले का खतरा है, इसराइल पर ईरान भी हमला कर सकता है और मिस्र से भी इसराइल को बहुत सख्त संदेश मिल चुका है। गाजा में जमीनी अटैक करने के साथ साथ इसराइल के सामने मल्टी फ्रंट की चुनौती है, लिहाजा गाजा में पूरी तरह सेना को उतार देना इसराइल की अकलमंदी नहीं कही जाएगी। उसको बाकी फ्रंट पर भी तैयार रहना होगा। צה"ל הציג שליטה במוקדי החדירה מרצועת עזה לשטח מדינת ישראל. הכוחות הרגו בשטח מאות מחבלים. יש לחימה וקרבות אירועים לחילוץ בני ערובה שמתרחשת גם כעת והתרחשה במהלך כל הלילה. במהלך הלחימה מפקדים ולוחמים נפלו בקרבות ואזרחים נרצחו. מאות מחבלים נהרגו ועשרות נלקחו בשבי. इसराइल के सामने ईरान दुश्मन नंबर एक है, इसराइल के सामने लेबनन का हिजबुल्ला दुश्मन नंबर दो है, इसराइल के लिए सीरिया दुश्मन नंबर तीन है, इसराइल के लिए यमन दुश्मन नंबर चार है, इसराइल के लिए इराक दुश्मन नंबर पांच है। इसराइल मिस्र समेत बाकी अरब देशों पर भी यकीन नहीं कर सकता है। ये वो देश है जो हमास का पूरी तरह समर्थन करते हैं।
العملية العسكرية الواسعة التي بدأتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس تأتي في سياق استمرار النضال الوطني الفلسطيني وفق القانون الدولي، وردا على انتهاكات الاحتلال اليومية بحق المسجد الأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا والاعتداء على المرابطين والمرابطات وأيضا القتل اليومي في الضفة الغربية ومئات الشهداء الذين سقطوا هذا العام، وأيضا لتحرير الأسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال. अब इसराइल इतने देशों को देखे कि गाजा में अपनी सेना लंबे वक्त तक उतार दे, क्योंकि एक बार गाजा में ऑपरेशन शुरू किया तो इसराइल के बाकी दुश्मन उस पर चढ़ाई कर देंगे। ऐसी वार्निंग इसराइल को मिल चुकी है। अब ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए इसराइल को अपनी सेना के हिसाब से चलना होगा। उसको अपने टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी देखनी होगी और अपने कमांडो दस्ते को फुल प्रूफ प्लान देना होगा, ताकि गाजा में उन ठिकानों को मिटाया जा सके जहां से इसराइल पर हमले लॉन्च किए गए। इसराइल का दावा है कि गाजा से जो हमले हुए उसमें 21 ठिकानों को निशाना बनाया गया, यानी गाजा में कम से कम ऐसे 15 से 20 लॉन्च पैड होंगे जहां से हमास के हमलावर इसराइल में दाखिल हो गए। अब वहां चढ़ाई करने के लिए इसराइल को सबसे पहले अपनी टैंक पावर का इस्तेमाल करना होगा और इसमें उसका सबसे खतरनाक टैंक मरकावा सबसे आगे नजर आएगा। वैसे भी इसराइल से इस तरह के वीडियो सामने आ चुके हैं जिसमें टैंकों को गाजा की तरफ जाते हुए देखा जा सकता है। ये नेतन्याहू की युद्ध वाले ऐलान को पूरा करने वाला कदम कहा जाएगा, जिसमें गाजा पर जमीनी चढ़ाई करने का इरादा पक्का नजर आ रहा है। इसराइल ने जब गाजा में एक इमारत पर बम गिराने का इरादा किया तो उससे पहले गाजा में ये जानकारी पहुंच गई कि इसराइल अब एक इमारत गिराने जा रहा है और आसपास के लोग बाहर ना निकले। قال بدي بلغ الجماعه يطلعوا ما يطلعوش من البيوت، خليك في البيوت، بدنا ننزل برج الوطن. فقالوا لا ما ينفعش نضل في البيت وتنزل برج، لا مش هيتاثروا، خليكم قاعدين في البيوت حننزلوا بالراحه يعني. فقلنا له ما بنقدر الا نطلع من البيوت يعني. فطلعنا من البيوت تقريبا الساعه تقريبا 5 بالضبط عدا الفجر. بعد ما طلعنا ضربوا صاروخ زنانة، بعد ما ضربوا صاروخ زنانة نزلوه كليا البرج يعني. البرج انت عارف برج، هذا برج يعني سكني، برج مكاتب. इसके बाद जब इस बिल्डिंग को गिराया गया तो आप तबाही का अंदाजा देख सकते हैं। इसराइल अब पूरी तरह बदला लेना चाहता है और हमास उसका सबसे बड़ा टारगेट है। इसराइल किसी भी ऐसी इमारत को नहीं छोड़ रहा जहां उसे लगता है कि हमास के हमलावर हो सकते हैं। गाजा में इस वक्त कई जगह मलबा ही मलबा फैला हुआ है, यहां बहुमंजिला इमारतें गिराई जा रही हैं। कब कहां इसराइल का बम आकर गिरेगा कोई नहीं जानता और यही सबसे बड़ा खतरा है। इसराइल रात में भी हमले कर रहा है और दिन में भी उसका अटैक जारी है। हमास को लेकर इसराइल की नीति अब साफ है, लेकिन ऐसे हमलों में वो लोग भी मारे जाएंगे जिनका हमास के हमले में कोई हाथ नहीं। هذا المسجد كنا في أمان الله عز وجل، صلينا العشاء بالأمس فيه، ثم فجأة أصف هذا المسجد دون سابق إنذار ودون إخبار أحد من الجيران. روعوا الأطفال، روعوا الشيوخ، روعوا النساء كبار السن، مصاحف بعثرت، المسجد قلب عن بكرة أبيه. हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया है। वो एक तरह से इसराइल की सेना पर नाकामी का एक बहुत बड़ा धब्बा लगा चुका है। इसराइल के लिए सबसे शर्म वाली बात है कि उसके बहुत से बड़े हथियार हमास के गोरिल्ला युद्ध वाले हमले को झेल नहीं पाए। आप हमास के मुकाबले में इसराइल को देखेंगे तो आपको इसराइल की ताकत समझ में आएगी। इसराइल के पास टैंक और बख्तरबंद गाड़ी है, हमास के पास दिखाने के लिए सिर्फ एसयूवी है। इसराइल के पास बड़ी बड़ी तोप है, हमास के पास रॉकेट है। इसराइल एक बड़ी ड्रोन पावर है, वो पूरे गाजा पर 24 घंटे नजर रख सकता है। हमास के पास छोटी दूरी के ड्रोन है जो आत्मघाती हमला कर सकते हैं। इसराइल की सेना 6 लाख से ज्यादा है। हमास के हमलावरों की तादाद 30 से 40 हजार बताई जाती है। इस बार इसराइल पूरी तरह गाजा पर चढ़ाई करना चाहता है और वो इसके लिए अपना सबसे बड़ा टैंक तैयार कर चुका है। इसमें मरकावा 4 टैंक सबसे बड़ा नाम है। लेकिन नेतन्याहू को डर भी है, जो हमास के हमले में ढेर हो गया और फिलिस्तीन के लोग उस पर चढ़ गए। ये इसराइल का नहीं पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक टैंक माना जाता रहा है, लेकिन हमास के एक हमले में ये ढेर हो गया। इसराइल का मरकावा दुनिया के सबसे सीक्रेट टैंक के रूप में पहचाना जाता है, जिस टैंक के खिलाफ अचूक माने जाने वाली मिसाइल भी नाकाम हो जाती है। ये ऐसा टैंक है जिसे लेकर इसराइल ने फैसला किया कि वो इसे कभी किसी और देश को नहीं बेचेगा।
जिस जलते हुए टैंक की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, अब वही टैंक गाजा पर चढ़ाई करने के लिए सबसे आगे रहकर कमान संभालेगा। ये सब नेतन्याहू के फैसले पर निर्भर करेगा। उसी मरकावा टैंक को लेकर बहुत सी बातें हैं जो आज भी इसराइल की डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर ही सीक्रेट बनी हुई है। दुनिया इस टैंक के बारे में बहुत सी बातें नहीं जानती है। इसराइल की भाषा हिब्रू में मरकावा का मतलब होता है रथ, और अब इसी रथ पर फिलिस्तीन के लोग सवार हैं। इसराइल की थल सेना का ये सबसे खतरनाक हथियार हमेशा इसराइल को बड़ी कामयाबी दिलाता आया है, लेकिन हैरत ये भी है कि हमास के पहले हमले में ही ये फेल हो गया। इसराइल ने अरब देशों के साथ 1967 में हुए युद्ध के बाद इसे बनाना शुरू किया। 1973 के युद्ध के बाद इसके डिजाइन में और बदलाव किए गए। 1970 के दशक में बना मरकावा 80 के दशक से ही इसराइल का मेन बैटल टैंक बना हुआ है। ये 65 टन का है। इसके घन 120 मिलीमीटर की है। इससे एंटी टैंक मिसाइल भी फायर की जा सकती है। 1500 हॉर्स पावर वाले इंजन से ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकता है। खासा जब ये टैंक घुसेगा तो देखना होगा कि एंटी टैंक युद्ध में ये कितना कारगर रहता है, क्योंकि गाजा में मौजूद हमास के पास एंटी टैंक मिसाइल भी है। इसमें कोई शक नहीं कि वही बारूदी सुरंग भी बिछाई गई होंगी, इसमें भी कोई शक नहीं। हालांकि जब जब हमास ने हमला किया है तो ये टैंक जहां था वहीं खड़ा रह गया। दूसरे टैंकों की तरह इस टैंक का इंजन पीछे नहीं आगे होता है, ताकि दुश्मन के हमले के वक्त इस टैंक में बैठे सैनिक सुरक्षित रहें। लेकिन हमास के हमले के बाद इस टैंक से इजरायली सैनिकों को मुर्दा हालत में बाहर निकाला गया। वो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए उसे शामिल नहीं किया गया है। ये एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के तौर पर भी काम करता है, लेकिन इस टैंक को बचाने वाला बड़ा सिस्टम आयरन डोम की तरह ही नाकाम साबित हुआ। इसराइल के इस टैंक में अमेरिका के एब्रम्स टैंक वाली कई तकनीक जोड़ी गई है, ताकि ये दुश्मन के अटैक से बच सके। ट्रॉफी एपीएस यानी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम मिलने के बाद इसकी डिफेंसिव पावर कई गुना बढ़ गई है, जो इसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से बचाता है। ये टेक्नोलॉजी अब आधुनिक टैंकों के लिए बहुत जरूरी बन चुकी है। इसी टैंक के जरिए इसराइल अपने चार बड़े दुश्मनों को रौंदने की ताकत रखता है, और उसके लिए हमेशा तैयार भी रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल हमास के हमले का बहुत बेदर्दी से बदला लेगा, जो उसने लेना भी शुरू कर दिया है। אנחנו מפנים יישובים. המשימה שלנו ביממה הקרובה להגיע לפינוי של כל תושבי העוטף. הפינוי הזה צריך להיות בטוח, לסרוק את השטח, לוודא שאין מחבלים, להוציא אוטובוסים, לפנות התושבים. אנחנו נסיים את המשימה הזאת ביממה הקרובה. יש עשרות אלפי לוחמים במרחב כל העוטף. इसराइल अब हमास और उसके कमांडर्स को छोड़ेगा नहीं। अगले 24 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं, क्योंकि गाजा में अगर इसराइल घुसता है तो उसे बाकी अरब देशों की तरफ से होने वाले हमलों के लिए भी तैयार रहना होगा। हालांकि इस युद्ध को रोकने की कोशिश शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार हमास ने जिस डिग्री का हमला किया है उसने इसराइल को हिला कर रख दिया है, और उसके पास भी पूरी तरह बदला लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। एक तरह से कह सकते हैं कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। यहाँ यूक्रेन से भी ज्यादा खून बहने वाला है। तस्वीरें आने लगी हैं और अब समझ में आ रहा है कि यहाँ यूक्रेन से भी बड़ी तबाही होने वाली है। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच सबसे बड़ी आग भड़क चुकी है, और अब इस युद्ध में इतनी लाशें गिरेंगी कि न पुतिन ने देखी होंगी और न ज़ेलेंस्की।